अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और उसका टॉपिक नंबर 1 को हमने डिस्कस किया था पीक टू पीक वैल्यू तक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें क्यों लेनी पड़ी, हमने वैसे इसको हल क्यों नहीं कर लिया, हमने एवरेज लेकर इसको हल क्यों नहीं कर लिया, सोल्व क्यों नहीं कर लिया। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की, वो बराबर होती है जीरो के। क्यों जीरो के बराबर होती है, जरा देखें। हमारे पास, मैंने अभी आपको कहा है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो बराबर होती है जीरो के। कैसे, जरा देखें बेटा। हमारे पास एक साइकिल है, ये हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी। जब हम इनकी एवरेज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की या एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, तो हम करंट की बात कर रहे हैं, तो जरा देखें, ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव करंट होगा और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव करंट। जब हम इन दोनों की एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, आई एवरेज प्लस आई माइनस आई ओवर टू। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो बाई टू बराबर जीरो के। तो एवरेज करंट तो हमारे पास जीरो होगा, लेकिन एवरेज करंट तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमने एक मेथड यूज किया, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्टूडेंट्स, इसको रिवर्स पढ़कर देखें। सबसे पहले हम वैल्यू का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर हम उसकी मीन लेंगे, मीन मतलब के एवरेज लेंगे उसकी, एंड देन हम उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है, कि स्क्वायर रूट हम वैल्यू का ले लेंगे। तो इसकी बेटा डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह बनेगी, अफेक्टिंग वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू obtained by taking square root of mean square value। और बेटा इसको हम मेजर कैसे करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को किस डिवाइस के साथ मेजर करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय डीसी एमीटर इन अ सर्किट। हम सर्किट में डीसी एमीटर लगाते हैं और डीसी एमीटर हमें मेजर करके देता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम सिंपली क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलें, इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास जीरो, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज, यहां पर हमारे पास नेगेटिव पीक वोल्टेज, और ये हमारे पास साइकिल जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा इसका। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव पीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव पीक है। अंडरस्टैंड? ओके, यहां तक क्लियर करें। अब आ जाए इधर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, वोल्टेज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, हम करंट को लेकर भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर हमने करंट को मेजर करना है तो करंट वाली इक्वेशन लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अगर हमने वोल्टेज को लेकर डिस्कशन करनी है, स्टडी करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, तो फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज वाली इक्वेशन ले लेंगे, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। तो अब हम वोल्टेज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, V इंस्टेंट
इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा वाले, इसको आपने माइंड में रखना है। ओके चले बेटा, ये अब हम मालूम करते हैं रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। सबसे पहले तो हमने लेनी है वैल्यू। लो जी मैंने वैल्यू ले ली, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका स्क्वेयर करना है। लो जी बेटा मैंने सेकंड स्टेप में इसका क्या कर लिया, स्क्वेयर कर लिया। अंडरस्टैंड? अब बेटा मैंने इसका क्या लेना है, मीन लेना है। मीन लेने से पहले मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वेयर करूंगा। जैसे मैं पॉजिटिव पोलैरिटी का स्क्वेयर करूंगा, पॉजिटिव वी नोट का स्क्वेयर करूंगा, तो वी नोट का स्क्वेयर किया पॉजिटिव का, तो ये बराबर आ जाएगा वी नोट स्क्वेयर। मतलब के ये हमारे पास साइकिल कुछ इस तरह बन जाएगा। ओके अब नेगेटिव का, नेगेटिव पोलैरिटी का अगर मैं स्क्वेयर करूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी वी नोट स्क्वेयर, मतलब के पॉजिटिव पीक वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर की। तो ये भी हमारे पास कुछ इस तरह साइकिल बन जाएगा पॉजिटिव में, और आगे नेक्स्ट भी पॉजिटिव है तो इसका भी साइकिल हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास स्क्वेयर वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई है, स्क्वेयर वैल्यू आ गई है। ओके अब स्क्वेयर के बाद हमने क्या करना है, वैल्यू ली उसका स्क्वेयर किया, अब स्क्वेयर का हमने लेने हैं मीन, मतलब के एवरेज वैल्यू लेनी है। अब हमने इसकी मीन लेनी है, तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही है सारे साइकिल, तो इस वजह से हमारे पास इसका जीरो से लेकर यहां तक आएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट ओवर टू, तो ये हमारे पास इसकी मीन जो है वो बराबर आ जाएगी वी नॉट स्क्वेयर बाय टू। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास मीन आ गई, हमने सबसे पहले वैल्यू ली उसका हमने स्क्वेयर किया, फिर हमने उसकी मीन ले ली। अब मीन के बाद हमने क्या लेना है, इसका स्क्वेयर रूट लेना है। चलें जी स्क्वेयर रूट ले लें, वी नॉट स्क्वेयर बाय टू, तो ये बराबर आ जाएगा वी नॉट बाय टू अंडर रूट। इट्स मीन दैट कि हमारे पास वी आर एम एस वैल्यू जो है, वी आर एम एस वैल्यू जो है वो बराबर है वी नोट बाई टू स्क्वेयर रूट और 0.7 वी नोट के बराबर। अंडरस्टैंड? लो जी बेटा ये हमारे पास आ गई जी वी आर एम एस वैल्यू, हमने मालूम कर ली। कैसे कि जरा फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं बेटा, देखें मैंने क्या किया, एक वैल्यू ली, वैल्यू को मैंने क्या किया, रिवर्स चल रहा है, हमने उसका स्क्वेयर किया, स्क्वेयर के बाद मैंने उसकी क्या ली, मीन ली, मतलब कि एवरेज वैल्यू ली, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एवरेज वैल्यू नहीं कहेंगे, मीन ही कहेंगे, इसका मतलब वैसे एवरेज होता है। और उसके बाद हमने उसका रूट लिया, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू आ गई वोल्टेज की 0.7 वी नोट, मतलब के वी नोट बाई टू स्क्वेयर रूट। अंडरस्टैंड? अब हमने मीन वैल्यू लेनी है, क्या यहाँ पर ग्राफ में हमने डिनोट करना है मीन वैल्यू को। जरा देखिए मीन वैल्यू क्या है, कि वी नोट स्क्वेयर को हमने हाफ कर देना है, जहां पर वी नोट स्क्वेयर हाफ होगा वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, मीन स्क्वेयर वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी वो, मीन स्क्वेयर वैल्यू, मीन स्क्वेयर वैल्यू। चले मैं अब इसको डेफिनेशन से भी आपको क्लियर करता हूं। जरा देखे बेटा मैंने यहां पर क्या कहा था, effective value obtained by taking square root, क्या लिया हमने, square root लिया, किसका square root लिया था भला, of mean square value, ये हमारे पास क्या है, mean square value का हमने taking किया, take किया square root, फिर हमारे पास जो हासिल हुई value वो हमारे पास root mean square value हासिल होगी। Understand? चलें जी अब हम वी नोट जीरो से लेकर यहां तक है, तो इसका हाफ तकरीबन यहां पर बनता है हाफ अंदाजन, तो ये हमारे पास मीन स्क्वेयर वैल्यू आ गई। अब रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू लेनी है, तो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास, किसके बराबर है, 0.7 वी नोट, मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको डिवाइड करें, हमें पता है कि ये डिवाइड होगा 10 स्मॉल पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आलो जी 9, 10, तो अगर देखा जाए तो यहां से हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू जो है वो यहां पर बनेगी,
ये हमारे पास बेटा जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब अगर आप नोट करें ना तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, ना ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास मिनिमम है, ये इसके मिडल में वाकया है, मतलब कि ये जीरो नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब चले मैं इसका एक एमसीक्यूज भी आपको क्लियर करवा देता हूं कि जो वी आर एम एस वैल्यू है ये बराबर होती है वी इंस्टेंट के, कब? जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होता है, एंगल 45 डिग्री होता है। ये बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैसे? हमें पता है कि v इंस्टेंट जो है ये बराबर होता है v नॉट साइन थीटा, हमारे पास 45 डिग्री, और हमें पता है 45 डिग्री पर हमारे पास साइन 45 किसके बराबर होता है भला? v नॉट 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट के। तो v नॉट बाय 2 स्क्वायर रूट v इंस्टेंट, और हमें पता है v ओवर 2 स्क्वायर रूट किसके बराबर है? vrms के। तो ये बराबर आ जाएगा v इंस्टेंट इज इक्वल टू v आर एम एस। तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।